नमस्कार, मैं हूं अनुराग। देखिए, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे जो बिना मास्क के लोग जा रहे हैं, उनको किस प्रकार से पुलिस के जो जवान है वो समझा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे खड़े हैं महिला पुलिस की भी, यहाँ पे जो ड्यूटी है वो नियुक्ति की गई है। जो भी बिना मास्क की औरत है यहाँ पे, और भी है बच्चे यहाँ पे बड़सी गेट पे। यहाँ पे जो लोग पुलिस का आज नया अभियान चलाया पुलिस ने, जो लोग विदाउट मास्क के घूम रहे गए उनको मास्क लगाने की यहाँ पे एक हिदायत है पुलिस के द्वारा दी जा रही है। इनको समझाया जा रहा है कि आप ऐसे मत घूमिए, कहीं ना कहीं ये जानलेवा हो सकता है, क्योंकि ये वायरस है, काफ़ी खतरनाक है। इसके लिए नई गाइडलाइन जो पुलिस की तरफ से यहाँ पे प्रशासन की तरफ से आई है वो यही है कि आपको कंपल्सरी मास्क लगाना है। कोई भी बिना मास्क के शहर में ना घूमे। यहाँ पे ये इन लड़कियों को समझाया जा रहा है। ये देखिए, एक माह से ये बिना मास्क के जैसे निकल रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो अभी भी इस बात को हल्के में ले रहे हैं और बिना मास्क के यहाँ पे घूम रहे हैं। उनको पुलिस समझा रही है, जाके उनको रोक के बताया जा रहा है कि आप ऐसे मत घूमिए, हेलमेट लगाइए या फिर मास्क लगाइए। कोई बाइक पे आता है तो उसको हेलमेट के लिए यहाँ पे समझाया जा रहा है। ड्यूटी जो पुलिस की है वह पूरी तरह से चालू है, पूरी लगन से ये लोग यहाँ पे डटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। इसके साथ ही देखिए किस प्रकार से जो भीड़ भरा आज यहाँ पे माहौल है, क्योंकि लॉकडाउन में फिर जो चौथा लॉकडाउन चला गया 4.0, इसमें काफ़ी ज़्यादा हद छूट मिल चुकी है और इसी का कहीं ना कहीं लोग नाजायज फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो ये देखिए, बिना मास्क के जा रहा था ये, जैसे कि अब बिना मास्क के जाने वालों को पुलिस यहाँ पे देखिए समझाया जा रहा था इनको, आप मास्क लगाइए क्योंकि मास्क लगाना ज़रूरी है। सरकार ने कल जो नई गाइडलाइन जारी की है, कंपलसरी मास्क का यहाँ पे कर दिया गया। ये काफ़ी भीड़ भरा क्षेत्र है जहाँ से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बड़सी गेट का एरिया गए। ये देखिए दुकानें गए, मोबाइल शॉप है या बीज की दुकानें गए, ये पूरे का पूरा एरिया यहाँ लोगों को पुलिस के द्वारा समझाया जा रहा है, हेलमेट लगा के आप चलिए। चलान उनका यहाँ पे फिलहाल कम चलान किए जा रहे हैं, लेकिन समझाया ज़्यादा जा रहा है और मास्क के लिए खासकर हिदायत इनको दी जा रही है। जो भी बिना मास्क के यहाँ दिखता गया उसको खासकर हिदायतें दी जा रही है कि आप बिना मास्क के ना जाइए, मास्क लगाइए। तो सभी को मतलब इस तरीके से यहाँ समझाया जा रहा है। तो देखिए, बाइक पे जो जा रहे थे बिना मास्क के गए और रुमाल शायद इनकी जेब में होगा, रुमाल भी नहीं है, बिल्कुल बिना मास्क के, इनको शायद परवाह नहीं है। इस तरीके से ये लोग जो घूम रहे हैं मास्क की, इनको कहीं ना कहीं समझ नहीं है कि मास्क लगाना कितना आज के वक्त में ज़रूरी हो चला गया। हमारे साथ है रघुवीर जी, गए इनसे जानेंगे सर किस प्रकार से आज लोगों को यहाँ पे समझाया जा रहा है। मास्क के बारे में बता रहे हैं भाई, मास्क लगाओ अपना जी, और बचाओ में ही बचाओ है, बचाओ में बचाओ है। तो जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उनसे किस प्रकार से मतलब बोल रहे हैं? उनको मास्क लाने ही कहते हैं, बता कि मास्क ले और खरीदो और अपना लाओ, चाहे रुमाल ले लाओ चाहे मास्क लगाओ। जैसे सरकार ने कह रखा है कि आप मुंह ढकिए, मतलब कैसे भी ढकिए, तो हिदायतें आप आज यहाँ पे दे रहे हैं। इसके साथ ही जो विदाउट हेलमेट आ रहे हैं उनको भी समझाया जा रहा है। विदाउट हेलमेट हो, बगैर नंबर प्लेट हो उसको कहते हैं भाई अपनी नंबर प्लेट लो आओ, समझाया जा रहा है। मतलब आज चलान काफी कम है, डॉक्यूमेंट चीज के पास नहीं मिला तो उसको इनबाउंड कर देते हैं। इसके लिए चलान आज इन्होंने कम किए हुए हैं। अवेयरनेस जो इनका चला हुआ है, अवेयर करने का कार्य है, वो यहाँ पे बिल्कुल चला हुआ गया। इंटरनेशनल से अनुराग।